कभी कभी दर्द मिलना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमें चोट नहीं लगेगी ना तो हम कभी उस दर्द को झेल ही नहीं पाएंगे। और जिंदगी में बाहर की चोट जब लगती है, जैसे हाथ कट गया तो मरहम पट्टी कर ली, यानी दर्द तो हुआ मगर ठीक हो गया। पर किसी के शब्दों की चोट इससे भी बड़ी होती है, वो जब लगती है तो मरहम पट्टी नहीं होती, इंसान बस शांत हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी हर्ट होने से हम खुद में कितना ज्यादा मजबूत बनते जाते हैं, और ये बात आपको अच्छे से समझ आए तो मैं आपको एक कहानी के थ्रू ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक राजा रहता था। वो था तो जनता का सेवक, पर उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा बेकार था। और दूसरी तरफ राजा किसी भी तरह की धार्मिक बातों को नहीं मानता था, ना तो वो किसी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता और ना ही किसी भविष्यवाणी वगैरह में। अब उसी दरबार में, यानी राजा के दरबार में एक बंदा काम करता था जिसकी उम्र होगी लगभग 40-50 साल की। भोला सा आदमी था जिसे बस दरबार का छोटा मोटा काम देखना होता था कि खाना बन गया कि नहीं, या महल में किसी को छुट्टी चाहिए तो उसे अर्जी वगैरह देना होता था, मतलब यही सब वो करता था। पर यह बंदा राशिफल वगैरह भी देखना जानता था और भरोसा भी करता था। तो एक दिन वो बैठा हुआ था, उसने सोचा कि आसपास के सभी गांव में इतना विकास हो रहा है, नए नए महल बन रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो हमारे गांव में देखता हूँ कि तरक्की कब होगी। अब उसने जैसे ही अपने कुछ ग्रह नक्षत्र से देखना शुरू किया तो उसने देखा कि उसका पूरा गांव अगले 4 साल में, यानी 4th साल में बर्बाद होने वाला था, क्योंकि जो उसने देखा उसमें ये दिखा कि उस गांव को गर्मी खा जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा ये तो नहीं पता, पर यह दिखा कि उस गांव में कोई शायद ही बच पाएगा। इसने सोचा ये सब राजा को बताता हूँ ताकि वो कुछ करे, पर फिर इसे याद आया कि राजा तो ये सब मानता ही नहीं, और इसने कुछ बोला तो वो इसको सजा ना दे दे, फिर ये चुप रहा। इस आदमी के 2 बेटे थे, फिर इसने सोचा कि मुझे बस अपने परिवार को बचाना है। इसने लोगों को भी ये सब बातें बताई पर किसी ने यकीन ही नहीं किया, मगर इसे कुछ तो करना था। फिर इसने अपने बेटों को अपने साथ रोज दिन में जब सूरज अपने पीक पर होता तो उसी गांव में एक बहुत बड़ा सा पहाड़ या टीला था, उसने अपने बेटों को वहां ले जाना शुरू किया। ये लोग भरी धूप में जलते जलते ऊपर जाते और ऊपर भी किसी छांव में ना बैठ के एक जगह धूप में खड़े रहते या बैठ जाते। इसके बच्चों को लगा कि इनका बापू पागल हो गया है, इन्हें मार देगा। काफी बार कहा सुनी भी हुई, पर यह फिर भी अपने बच्चों को ऊपर ले जाता और बैठाए रखता। धूप से इन लोगों की स्किन बड़ी काली काली पड़ने लगी, जैसे जल गई हो। इससे एक दिन राजा ने पूछा भी कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो इसने कहा कि महाराज क्या पता गांव में आगे आगे गर्मी बढ़ने लगे और ये आजकल के बच्चे ना सह पाए तो क्या होगा। राजा हंसने लगा और बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम आज को जियो और आज में रहो। इसने बहुत सारे हिंट दिए थे राजा को पहले भी, पर जाहिर है कोई भी इसकी हवाई बातों पर भरोसा नहीं करेगा। और आखिरकार वो साल आ ही गया जिसमें गर्मी पड़ने वाली थी। अब देखो, इनका जो गांव था वो था तो बहुत बड़ा, तो मार्च अप्रैल जब आया तो वहां लू चलने लगी, और ऐसी लू जिससे सबसे पहले जानवर बीमार पड़े, यानी उस गर्मी से कोई बीमारी फैलने लगी थी जिसे कोई भी सहन नहीं कर सकता था। और फिर उस साल बरसात भी दूसरे गांव में हुई और इनके गांव में एक बूंद भी नहीं गिरी। अब गर्मी और लू से वहां के पेड़ भी जलने शुरू हो गए, सारे पत्ते गिरने लगे जैसे वहां अकाल छा रहा हो। अब लोगों के मरने की भी खबर आने लगी, लोगों को पानी की कमी होने लगी, सांसें जाने लगी, और देखते ही देखते दिन का समय लोगों के लिए डर का माहौल बन गया। और फिर इसी तपती धूप में राज्य पर किसी ने हमला कर दिया, क्योंकि जैसे ही यह पता चला कि यह गांव कमजोर पड़ रहा है, यहां पर भूखमरी चल रही है, लोग मर रहे हैं, तो दूसरे राजाओं ने इसे हड़पने की सोची और मजबूरन राजा को बाहर निकलना पड़ा। बाहर निकलते ही बाहर की धूप ने किसी को नहीं बख्शा, वो रेत का तूफान इनके शरीर में घर कर गया और लू से दोनों राजा कमजोर पड़ने लगे और आखिर में दोनों ही राजा की मौत हो गई। अब वो जो आदमी था उसके दोनों बेटों को समझ में आ गया कि आखिर क्यों उनका बापू उन्हें ऊंचे टीले पर लेकर जाता था, क्योंकि वहां सबसे तेज धूप होती थी, सबसे गर्म एहसास, और उसको इन लोगों ने धीरे धीरे झेला, जिसकी वजह से जब गांव में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी तो इनकी तबीयत उतनी ज्यादा नहीं बिगड़ी और कम से कम ये जिंदा रह सके। हजारों लोगों की उस गर्मी में जान गई और बाकी बचे सब ने इनकी बातों पर भरोसा किया। तो दोस्तों, कई बार हमारे हर्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि हम टूट जाएंगे, कई बार वो दर्द हमें मजबूत बनाने आता है, और मजबूत बनने के लिए हमारा तपना बहुत जरूरी है। तो दुख जब भी मिले, जब भी आप अपने अंदर से हर्ट फील करो, तो ये बात भी याद रखो कि ये वक्त भी निकल जाएगा, मगर आपको इससे जो भी सीखना है वो जल्दी ही सीखो, ताकि बार बार एक ही बात के लिए रोना ना पड़े, ताकि बाद में अगर ऐसी परेशानी आपके पास आती भी है तो आपके पास इससे निपटने का सुझाव पहले से मौजूद हो। दोस्तों, वीडियो में कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी, आप इस कहानी से क्या सीखे।
इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर प्लीज कनेक्ट हो जाओ, वहां मैं कोट्स और वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। और फेसबुक पर अनडिस्कवर्ड ट्रुथ ऑफिशियल लिखकर प्लीज वहां भी फॉलो कर लेना, ताकि हमारी टीम और ज्यादा मजबूत बन सके। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।